शिवपुरी शहर के गणेशा ब्लेस्ड पब्लिक स्कूल में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसपी राजेश सिंह चंदेल मौजूद रहे। कैंप में बच्चों को आग से बचने एवं सांपों के बारे में जानकारी दी गई। हमारे पत्रकार साथी स्नेक सेवर सलमान पठान मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को सांप के बारे में जानकारी दी एवं सांप को पहचानने एवं इनके काटने पर हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए बच्चों को बताया गया। गणेशा ब्लेस्ड स्कूल और एसपी राजेश सिंह चंदेल ने पत्रकार साथी सलमान पठान को सम्मानित किया। और वहीं हम आपको बता दें, खतरों के खिलाड़ी सलमान पठान शिवपुरी जिले में अपनी निशुल्क सेवा देते हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्यों भागी? पता चला उसी में एक्सीडेंट हो गया, उसी में चोट लग गई। ज्यादा शिवपुरी कुछ नहीं करती, लेकिन हम घबराहट भी कर लेते हैं। ऐसी कई बार हम घबरा जाते हैं, तो घबराना कभी भी नहीं किसी सिचुएशन में। हमने देखा कितना अच्छे से सांप इन्होंने पकड़ के दिखाया। अगर हम अलर्ट रहते हैं तो हम देख के भी अंदाज लगा सकते हैं कि सांप कैसा है। सबसे पहला काम इसके बावजूद भी यही होता है कि हमको केयर रखना चाहिए, कॉशन रखना चाहिए। जैसे आग लगी है तो हमको जबरदस्ती नहीं घुसना चाहिए उसमें। हमको पहले कोशिश करना चाहिए, कहीं आग लगी है, कहीं भीड़ है, तो हम उसकी व्यवस्था बनाए कि भाई कितनी दूर से कट ऑफ कर सकते हैं लोगों को। ऐसे ही सांप दिखता है हमको तो जरूरी कि हम उसको मारने लगे, पत्थर मारने लगे, और हमको भी समझ में नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।